तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भी उपचुनाव 5 दिसंबर को 15 सीटों पर होने जा रहे हैं। इसमें बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए कितनी सीटें चाहिए और कर्नाटक के लिए 15 सीटों पर कांग्रेस का जो गठबंधन है और बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। अगर बीजेपी ने इन 15 सीटों में से 6 सीट हासिल नहीं की तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। कर्नाटक की मौजूदा स्थिति अगर आपको बताएं तो कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन खाली सीट अभी 17 हैं। वर्तमान विधानसभा में कुल विधायक 207 हैं, लेकिन वर्तमान में बहुमत 104 का है, लेकिन बीजेपी के पास 106 है। तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो 112 का आंकड़ा बनता है बहुमत के लिए। अगर यहाँ पर 15 सीटों का जो उपचुनाव किए जाते हैं, इसके बाद 112 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी के पास 106 हैं, ऐसे में 6 सीटें और बीजेपी को चाहिए। इन 15 सीटों में से अगर बीजेपी 6 सीटें हासिल नहीं करती है तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के लिए 66, जेडीएस के लिए 34 और अन्य के खाते में एक सीट है। ऐसे में ये 15 सीटें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव के लिए 17 बागी विधायकों में से 15 भाजपा में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में 15 विधायक जो है वो जेडीएस और कांग्रेस से निकल कर आए हैं। तो क्या एक बार फिर से इनको जीत मिल पाएगी? अगर यहां पर गठबंधन में कांग्रेस जेडीएस लड़ती है तो इस गठबंधन को 12 सीट मिल रही है। अगर बीजेपी के लिए आंकड़े दिखाएं तो 3 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल लगाता है। इसके अलावा अगर यहां पर गठबंधन नहीं होता है, ऐसी खबरें चल रही हैं कि कांग्रेस से अलग हो सकती है जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी, तो बीजेपी 7 सीट यहां पर हासिल कर लेती है और कह सकते हैं कि बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको प्राप्त कर लेगी और सरकार में बरकरार रहेगी। अगर बीजेपी कर्नाटक में भी सरकार गिर जाती है तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है आने वाले चुनावों में, क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं 2018 से 2019 तक बीजेपी जो है 70% से लेकर 40% पर सिमट गई है। तो ऐसे में कर्नाटक की 15 सीटों का आपको क्या अनुमान है कि इन 15 सीटों में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।